गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रूट्स फॉर ट्रक्स एंड डंपर्स। माइंस में चलने वाले ट्रक, डंपर या एनी अदर व्हीकल्स का रूट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले माइंस में चलने वाले ट्रक्स डंपर्स का रूट का डिज़ाइन करेंगे, देन उसके बाद डायमेंशन कि कितना लेंथ ऑफ ब्रेथ और कितने मीटर का रोड रहेगा टिप्पर्स और ट्रक्स के मूवमेंट्स के लिए, देन रोड का कंस्ट्रक्शंस करेंगे अकॉर्डिंग टू दी डायमेंशन, देन लेआउट ऑफ होल रोड्स माइंस में चलने के लिए हॉल रोड्स बाय बाय टिप्पर्स और ट्रक्स के लिए रहता है, इंक्लूडिंग रैंप का भी डिज़ाइन करेंगे। एम्बैकमेंट्स और बंस, एम्बैकमेंट्स एक बाउंड्री वॉल होता है जो कि रोड के लास्ट में जब जहां से टिप्पर का मूवमेंट क्लोज हो जाता है एंड ऑफ दी रोड होता है वहां एम्बैकमेंट्स बनाया जाता है ताकि हमारा जो व्हीकल है वो किसी बैड सिचुएशन में उस बाउंड्री वॉल को क्रॉस ना करे, इसलिए बैकवर्ड्स बनाया जाता है। बम्स माइंस के ही मिनरल्स का यूज़ करके बेंच के एज में बम्स बनाया जाता है और ये बम डिवाइडर के काम में भी आता है, रोड के बीच में डिवाइडर देने के काम में बम्स का यूज़ किया जाता है। पैरापेट वॉल्स का काम है भी सेम है, ये भी एक बाउंड्री वॉल्स की तरह ही काम करता है। इसका हाइट बम्प से काफ़ी ज़्यादा होता है जो कि टिप्पर्स के सेफ्टी के लिए ही बनाया जाता है ताकि टिप्पर ड्राइवर्स को मालूम चले कि इसके आगे अभी रोड क्लोज है, इसलिए पैरापेट वॉल्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा रोड के ऊपर माइंस में कैसे रोड बनाया जाएगा ट्रक्स और डंपर्स के लिए। सो फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो मेन पॉइंट समझ में आ गया होगा कैसे रोड का डिज़ाइन किया जाता है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।